क्या दिन से किशोरिया मामले में पीड़ित परिवार को थाने में बैठा था। रात को तबीयत खराब हो गई थी, किसकी तबीयत खराब हुई, क्या हुआ था जी? कल रात को हम धरना स्थल पर आए थे 9 बजे, वहाँ पर खैर कब्र पूछने, जहाँ पर थोड़ी देर बैठे, उसके बाद में करीबन 10 बजे जेठाराम की पत्नी और जेठाराम की बड़ी लड़की की तबीयत खराब हो गई, वहाँ पर धरने पर ही बेहोश हो गई थी, दांत जड़ित गए थे, बेहोश हो गई थी। उसके बाद में हमने 108 को एम्बुलेंस को फ़ोन किया, उसके बाद एम्बुलेंस आई और हम यहाँ पर हॉस्पिटल इलाज किसी के सिलेवाड़े में लेकर आए और डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया और सही इलाज अभी चल रहा है। वैसे तबीयत सही भी नहीं है और स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर साहब ने एडमिट कर दिया। चार दिन से धरने पर बैठे हैं, प्रशासन शुद्ध लेने कोई आया नहीं हमारे पास, ना कोई कलेक्टर साहब आए, ना SDM साहब आए, कोई भी शुद्ध नहीं ले रहा है गरीब परिवार की और न्याय के लिए पूरा परि। आपने भी देखा होगा कि कोई भी न्याय के लिए, जैसे कि महिलाएं कभी धरने पर रात को भी नहीं बैठी, ये गरीब परिवार है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके पिता की मौत हो चुकी है, इनके पति की मौत हो चुकी है और इस घटनाक्रम को दबाया जा रहा है, जबकि ये एक आम आदमी कह सकता है कि ये मर्डर है और प्रशासन इसको एक अलग ही रूप दे रही है, जिसकी विडंबना हकीकत में बड़ा गंभीर विषय है कि इस हत्या को लोग दबा कर रखना चाहते हैं और गरीब परिवार को न्याय नहीं दे रहा है। तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन के कोई अधिकारी आए थे? हाँ, तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल में पुलिस के अधिकारी आए थे, मौका मुआयना किया, हमारे साथ ही थे। फिर भी एक बात है कि तबीयत बिगड़ने के बाद आप क्यों आते हो, जब आपकी जरूरत है इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, सही जांच करके अगर आपने समय रहते कार्रवाई की होती तो ये एक घटना ऐसी रात तबीयत बिगड़ना या फिर धरना देना, रोडों पर बैठना, ये नहीं होता। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि आप इस घटनाक्रम की सही जांच करके जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और गिरफ्तार करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलावे। Do you need more?